नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कल वीकेंड का वार में एक बड़ा अच्छा सेक्शन था जिसको मैं चाहती हूँ डिस्कस करना। वो सेक्शन काफी हावी रहा वीकेंड का वार में, क्योंकि उस सेक्शन में अली गोनी का एक रूप दिखाई दिया जो अभी तक इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं दिखाई दिया था, यानी कि इतनी ज्यादा एग्रेसिव लड़ाई करते हुए नहीं दिखाई दिए थे जितने कल दिखाई दिए। तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों एकदम से अली गोनी को विकास गुप्ता पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो अपने आपे में नहीं रहे, मारने तक दौड़े उनको, और वो सब चीजें उनकी जो विकास गुप्ता के साथ हुई उसके बारे में बात करते हैं। मगर आपसे एक गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने देखा कि कल विकास गुप्ता अली गोनी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसमें अली गोनी ने बहुत सारी बातें बोल दी। मगर ये झगड़ा शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब करते हैं बात। तो वीकेंड का वार जब शुरू हुआ था तो सलमान खान ने जैस्मीन बसीन को बहुत बुरी तरह से बैश किया था, उनको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया था कि जैस्मीन आप गलत दिख रही हो, आप मत कीजिए ऐसा, क्योंकि आपने जो भी कहा है वो आप बार बार उसका प्रूफ मांगती हुई दिखाई दे रही हो, और आप ये बच्चे वाली जो हरकतें हैं वो छोड़ दीजिए, बचकाना मोड से बाहर आ जाइए। अली को भी कहा कि अली आप इसके अच्छे दोस्त हो, शायद ये आपकी बात समझे। अली को जैस्मीन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और जैस्मीन को अली जो पहले भी बहुत बार समझा चुका था इस पूरे वीक में कि जैस्मीन हंसो मत राखी सावंत पे, वो रो रही है, आप हंस रहे हो, गलत लग रहे हो, आप नेगेटिव दिखोगे, बार बार पूरे हफ्ते अली गोनी जैस्मीन को समझाते नजर आए। मगर जैस्मीन की जो दिमाग में एक ही सुई अटकी हुई थी कि मेरी वजह से चोट नहीं लगी है, थर्मोकोल से चोट नहीं लग सकती है, राखी नाटक कर रही है, ये सारा राग वो पूरे हफ्ते अला आपती रही। अब इस बात का असर अली पे ऑलरेडी था, और जब सलमान खान ने बुरी तरह से इस बात को साबित कर दिया कि जैस्मीन माफी मांगने पे आ गई, कि उन्होंने माफी मांगी राखी सावंत से कि मुझे माफ कर दो, वो जैस्मीन जिसने पूरे हफ्ते इस बात को लेके दावा किया है कि मेरी गलती थी ही नहीं, सारी की सारी गलती खुद राखी सावंत की, उन्होंने अपना नाक खुद फोड़ा है और अब वो नाटक कर रही है, वो सारी बातें। अब अली गोनी को भी सलमान खान ने थोड़ा बीच में डांटा और ये सारे चीजों के इफेक्ट जो थे अली गोनी पे हुए। अब यहाँ पे जैस्मीन बसीन नेगेटिव दिखी, ये हमें दिखा कि उन्होंने बातों को समझा भी बट फिर भी वो नेगेटिव दिखी। ये बात जो एक तरह से नहीं पता थी या इस बात का अंदाजा था अली गोनी का, इसलिए वो जैस्मीन बसीन को बोल रहे थे नेगेटिव दिखोगी, वीकेंड का वार में ये बात सिद्ध होगी कि जैस्मीन बसीन नेगेटिव दिखी। अब अली गोनी और जैस्मीन बसीन में इस बात को लेकर झगड़ा होता है, और जैस्मीन बसीन को अली गोनी इतना प्यार करते हैं कि वो झगड़े में भी देखते हैं कि जैस्मीन बसीन बहुत ज्यादा मायूस हो चुकी है, वो कहती है अब मैं बोलूंगी नहीं, अब मैं चुप ही रहूंगी। और जब कोई किसी के प्यार में होता है तो ये चीजें फील होती है, चाहे वो प्यार दोस्ती का हो, किसी भी रिलेशन का हो, प्यार में दूसरे को दुखी बंदा नहीं देख सकता है। अब ये गेम शो है, इस गेम शो में एक मुद्दा जब होता है तो उसके ऊपर बड़ा मुद्दा खड़ा करना बड़ा जरूरी होता है, और वो मुद्दा अली गोनी को पता है, क्योंकि उन्होंने इवन इस वीक में भी राखी सावंत का राहुल महाजन की धोती खींचने वाला मुद्दा भी बढ़ाने की कोशिश की। उस वाली लड़ाई में भी अली गोनी ने काफी ज्यादा शोर मचाया कि ऐसा कैसे कर दिया, औरतों के साथ ऐसा हो, मैं टास्क नहीं करूंगा, ये वो सारा उन्होंने बड़ा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की। मगर अनफॉर्चुनेटली वीकेंड का वार में मुद्दा वही उठा जो मुद्दा उठना चाहिए था, यानी कि जैस्मीन और राखी सावंत का, क्योंकि जैस्मीन ने खुद वो मुद्दा नहीं छोड़ा, तो वही मुद्दा डिस्कस हुआ, और वो जो मेहनत थी अली गोनी की वो भी पानी में चली गई जो राखी सावंत का जूली वाले टास्क में उन्होंने की थी। अब ये बात भी होगी, अब इस बात को ऑडियंस की नजर में क्या जाता है क्या नहीं जाता वो अली गोनी के दिमाग में चल रहा था। अब यहाँ पे विकास गुप्ता जो है, जब ये सीजन यानी कि कल का एपिसोड आगे बढ़ता है, विकास गुप्ता अर्शी खान की साइड लेते हुए नजर आते हैं, जब अर्शी खान और रुबीना का आपस में वो फिंगर वाला जो लड़ाई है जो भी चल रहा होता है, तो वहां पे विकास गुप्ता अर्शी खान की साइड लेते हैं, और ये बात अली गोनी को पसंद नहीं आती है। अब ये कहां से आया, सरप्राइज होता है ना कि एकदम से जो अली गोनी का विकास गुप्ता के साथ था, चल रहा था, विकास गुप्ता जब इतने ज्यादा परेशान थे वो अली गोनी को लेके गए थे, अली गोनी ने विकास गुप्ता के कहने पे बिग बॉस का रूल तोड़ा था, माइक उतार दिया था, रुबीना ने कहा था कि अली आप माइक पहनी, तब भी उन्होंने माइक नहीं पहना था, जब वो विकास गुप्ता के इतने नजदीक हैं, इतना उन्होंने दिखाया है, तो एकदम से विकास गुप्ता के खिलाफ क्यों हो गए। जहां तक ये गेम की बात करें तो फिर से अली गोनी ने एक बड़ा मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि विकास गुप्ता, जिसको सलमान खान ने कहा है कि विकास गुप्ता राखी सावंत की फेवर में आए थे,
और उसी राखी सावंत के अगेंस्ट में जैस्मिन है, यानी कि एक ट्रायंगल बनी है जिसमें विकास गुप्ता बहुत अच्छे दिखे हैं और जैस्मिन भसीन बहुत बुरी दिखी है। अब जैस्मिन भसीन बुरी दिखी है ये अली गोनी को बर्दाश्त नहीं है, उन्होंने क्योंकि वो प्यार करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सपोज करने की कोशिश की कि विकास गुप्ता जो है बहुत ही गंदा इंसान है। तो ये अली गोनी के अगेंस्ट ही बात जाती है, क्योंकि अली गोनी जब खुद विकास गुप्ता का इतना साथ दे चुके हैं, विकास गुप्ता को कंधा दे चुके हैं रोने के लिए, विकास गुप्ता जब शुरू में आए थे जब उनके लिए अर्शी खान का झगड़ा हुआ था तब भी जो विकास गुप्ता के साथ खड़े रहे थे अली गोनी, उन्होंने कहा था, उन्होंने सपोर्ट भी किया था जब सलमान खान ने पूछा था कि अर्शी खान ने गलत किया, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ विकास गुप्ता सही थे। तो जब विकास गुप्ता को इतना सही समझते और इतना उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है अपने उन फ्रेंड्स को लेके जिनके बारे में अली गोनी कल बोल रहे थे कि इसने उनकी वीडियोस बना के रखी हैं, ये उनको ब्लैकमेल करता था, खतरों के खिलाड़ी की शायद बात कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें उनने कही, तो एकदम से ये सारा ट्रैक थोड़ा लगा कि ये ऐसी बातें अब क्यों कह रहे हैं। ओनली एंड वन रीजन कि विकास गुप्ता जैस्मिन भसीन से अच्छा कैसे दिखा, सलमान खान ने ये बात कैसे कह दी कि जैस्मिन भसीन ने राखी का दिल तोड़ा और विकास गुप्ता ने उसका दिल जोड़ा, सॉर्ट ऑफ, है ना। तो ये जो चीज़ है अली गोनी के लिए मेरे मन में बिल्कुल अलग जाती है, क्योंकि मैं समझती थी कि अली गोनी काफ़ी क्लियर है अपनी गेम में, काफ़ी उनका हार्ट क्लियर है इस मामले को लेके, कि जब उनको जब वो ये बात बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स को बच्चों तक को नहीं छोड़ा, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो जब वो विकास गुप्ता के लिए मन में इतना रोष, इतना ज़्यादा गुस्सा लेके बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड जिनको विकास गुप्ता ब्लैकमेल करते थे या आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है अली गोनी के हिसाब से, तो वो अगर इनके मन में था अपने फ्रेंड्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, तो फिर वो विकास गुप्ता को इतना साइड क्यों दे रहे थे, उनकी इतनी फेवर क्यों कर रहे थे, है ना। यहाँ पे जैस्मिन भसीन भी बोलती हुई नजर आती है जब अली गोनी अंदर और एजाज खान उनको समझाते हैं कि मत करो पर्सनल बातें, मत लेके आओ अली, और वो जैस्मिन भसीन आती तो बोलती मुझे भी पता है ना, मैं भी चुप हूँ। तो जैस्मिन भसीन भी अगर देखे तो एक सीन था इसी बिग बॉस में, डाइनिंग टेबल पे बैठी थी और विकास गुप्ता को साइड दे रही थी, नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, आपने कभी किसी को ऐसा नहीं किया, मैंने तो आपके साथ काम नहीं किया बट मैंने सुना भी नहीं है कि आपने कुछ ऐसा किया हो। तो अली गोनी जैस्मिन भसीन दोनों ही रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में, जब जैस्मिन भसीन अली गोनी को पता है तो जैस्मिन भसीन को कैसे नहीं पता होगा कि विकास गुप्ता ने कैसे कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये अली गोनी ने जो की है कल, वो एक आउट ऑफ ट्रैक, आउट ऑफ गुस्सा, जो कि जैस्मिन भसीन की इमेज खराब हो रही है उसको लेके आया और विकास गुप्ता की इमेज सुधर रही है उसको लेके आया, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगी। तो मुझे तो ये लगा कि अली गोनी को इस टाइम पे ये नहीं करनी चाहिए थी, ग्रेजुअली इस चीज़ को बढ़ाते, अगर वाकई उनकी बात में सच्चाई है तो उनको ये बात लेके आनी है, तो वो शुरू से इस बात को लेके मन में एक गुस्सा रखते जो लोगों को दिखता है कि ये विकास गुप्ता से क्यों नहीं बोल रहा सही से, ये विकास गुप्ता की साइड क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि विकास गुप्ता की सच्चाई अली गोनी को पता है और अली गोनी इसीलिए दिल का अच्छा है, इसलिए वो ये बातें नहीं अभी लाना चाहता, बट वो उस बंदे के साथ मिलके चल भी नहीं सकता है। अगर ये चीज़ें अली गोनी शो करते और अब गुस्सा करते तो समझ में आता था, जब आप पहले पूरी उनकी बातें सुनने में पूरी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, उनकी साइड ले रहे हो विकास गुप्ता की, और अब आप एकदम से ऑल ऑफ सडन जाग जाते हो कि मेरे फ्रेंड्स को ब्लैकमेल कर रहा था, तो ये बातें दोस्तों हजम नहीं होती हैं। विकास गुप्ता को अली गोनी जब तक चाहते थे उन्होंने एक अच्छे नोट पे उन्होंने यूज़ किया, और अब उनको लग रहा है कि जैस्मिन भसीन की इमेज को सुधारना है और विकास गुप्ता की इमेज को बिगाड़ना है, तो अब उन्होंने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.